मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बालकनी डिसिप्लिन सेकेंडरी स्कूल। मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर सौरभ शर्मा आप सभी को क्लास 8 की मैथमेटिक्स क्लास में वेलकम करता हूं। तो अब हम लोग लास्ट टॉपिक 40.4 का पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें ओवरऑल वर्क आप ही का है, ज्यादा कुछ मेरा उसमें नहीं है, क्योंकि जितना भी मैंने अभी तक बताया 40.1 क्लास 40.1 इन तीनों एक्सरसाइज में जो बताया है उन्हीं सबका मिसलिनियस है, ठीक है ना। जो भी कुछ बताया है उस सबका कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। यानी कि नाम से क्लियर होता है फाइंडिंग एरर, यानी कि आपको क्वेश्चन जो दिया है वो सॉल्व करके देगा, आपको सॉल्व भी नहीं करना है। आपको इस बार तो मेरी जगह लेनी है, बस ये काम है। यानी कि इस बार आपको अपना अपना टीचर बनना है, ठीक है। औजार ये सबको नाम से क्लियर हो रहा क्या है फाइंडिंग एरर। जो मैं काम करता हूँ आज तक आप लोग का, वो काम ही आपको करना है। जो आप लोग अपनी फेयर कॉपी बनाते हो और मुझे देते हो सर देखे, या फिर आप लोग सॉल्यूशन लिखते हो मुझे भेजते हो सर देखे चेक कर लीजिए, वही काम है। इस बार आप लोग अपने से करोगे ये काम, ठीक है ना। तो पहला स्टेप है इस बारे में, तो आप लोग देखो जैसे कि सब लोग अगर अपने अपना बुक खोल रखे हो तो बुक में पेज नंबर आ जाओ 2 under 27 जिसने ये सॉल्यूशन किया है, आप में से ही कोई हो सकती है। तो आपको बताना है उसने यहाँ पर क्या किया, क्या आप पकड़ पा रहे हो क्या करते हैं इसमें। नहीं ध्यान दीजिएगा। जिसने भी ये सलूशन किया है हम लोग फाइंडिंग एरर एरर पता कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि कोई किसी का सलूशन किया हुआ आप लोगों के पास होगा और आपको उसे चेक करना है, ठीक है ना। ये तो तभी आप कर सकते हैं जब आपको सारे जो राइट मेथड है वो सारे पता हो। तो किसी ने एक सलूशन ये किया है 3x + x + 5x = 72, फिर उसने 8x = 72 किया और यहाँ पर 9 देख, तो हम लोग को चेक करना है इसमें क्या गलती है। आप लोग ध्यान देंगे तो इसमें ये नजर आ रहा है कि तीनों को जोड़ देंगे क्या आएगा 9x आएगा, तो यहाँ पर ये गलत है ना, 8x नहीं आएगा 9x आएगा। तो 9x आते ही इसका पूरा सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आंसर 8 आने लगेगा, ठीक है ना। तो ये है हमारी इसमें एरर। तो अब इसने ये 9x 8x क्यों किया, सोचो जरा, यहाँ पर इसने ये 8x क्यों किया, कोई आइडिया। 5 और 3 को प्लस करके 5 और 3 को ऐड किया, उसकी नजर में यहाँ पर x के आगे कुछ नंबर नजर नहीं आ रहा, तो उसने सोचा यहाँ कोई नंबर नहीं है यानी कि कुछ नहीं होगा तो 0 होगा, तो 5 + 3 + 0 क्या 8 आता है। जबकि ऐसा होता नहीं है, x के साथ जब कुछ नजर नहीं आता तो हम लोग क्या मानते हैं 1। अब ये देखो 5 + 3 8 + 1 9, अब ये 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट सॉल्यूशन क्या होगा, तो राइट सॉल्यूशन होगा 3x + x + 5x = 72 = 9x = 72 and x = 72 upon 9। जो दिया रहेगा उसको लिखना, उसमें ब्लैक से क्वेश्चन लिख के उसको ब्लू से सर्किल कर देना जहां भी आपको गलत नजर आए, और उसका राइट सॉल्यूशन दूसरे साइड, ठीक है ना। देखो एक क्वेश्चन और देखो अपने अपने बुक में पेज नंबर 227 पर। जैसे कि इधर ये क्या नंबर का नाम से गलती है, इसने ऐसा कुछ सॉल्यूशन कर दिया 3x - 4। आपकी बुक में ये जो कैसे ऐसे क्लाउड्स टाइप के बने हुए हैं
उसमें कई सारी बातें लिखी है ना, उन बातों को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। वो क्लाउड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो आपकी लैंग्वेज को क्रिएट करेंगे चीजों को पढ़ने और समझने, ठीक है ना। तो देखो उसने ऐसा कुछ किया, 3x माइनस, क्या ये सही है या गलत है? गलत है। तो क्या गलत है इसमें? यहां पर ये 4 नहीं आएगा, है ना। सो ये गलत हुआ है, तो करेक्ट टाइम क्या होता, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 12, यानी कि पहले ऐसे 4 इंटू 3 और फिर अगले टाइम में 3x माइनस 12, ये हो गया इसका, ये हो गया इनकरेक्ट, और ये हो गया इसका करेक्ट। 3 इंटू, हाँ यहाँ पर भी इंटू एक्स लिख देंगे, अब हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3x माइनस 12 आता है, तो ये हो गया इसका करेक्ट। तो आपको गलत चीज दी गई है उसको जज करके सही करना है, बस इतना ही काम है, ठीक है ना। तो 14.4 को कुछ बताने लायक है नहीं, मेरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बस आपको उनको जज करके सही क्या है या सही नहीं है आपको ये जज करना है, ठीक है ना। तो कुछ और क्वेश्चन है, लेकिन जो क्लाउड्स में लिखी हुई बातें हैं वही चीज है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो उनको जरूर पढ़िएगा आप सब। देखो तो बुक में और भी क्वेश्चन दिख रहे होंगे आपको, ठीक है ना। पेज नंबर 228 पर आ जाइए, 228 पर, ठीक है ना। पेज नंबर 228 पर भी ये कई सारे बी सी डी ई कई सारे सॉल्यूशंस दिए हैं, उनमें एरर दिया है तो फिर उनको करेक्ट किया है, ठीक है ना। तो इसीलिए फिर एक्सरसाइज 14.4 चालू होता है, और उसमें एक ब्लू कलर के बॉक्स में, ब्लू या किसी भी पिंक होगा उस कलर के बॉक्स में, एक सम फन फैक्ट दिया है, उस फन फैक्ट को भी जरूर पढ़िएगा ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, मजा आएगा इसको पढ़ने में। तो 14.4 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 21 सारे के सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, तो उनमें से सैंपल के तौर पर मैं 1 से 9 तक में कुछ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, देख लो। जैसे कि एक ये वाला क्वेश्चन देखो, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, क्या दिया है, 2x का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, ठीक है, ये चीज दी गई आपको, बताना है इसमें क्या गलती है। देखो इस 7 की जगह पे ये 7 नहीं, 4 इंटू 2 करें तो 8x भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं, ठीक है ना। तो हमारा एरर कहाँ पर है, यहाँ पर, ये इसको स्क्वायर करेंगे तो ये नहीं आएगा, क्योंकि जब भी किसी चीज का स्क्वायर करते हैं तो वो स्क्वायर पूरे के पूरे हर एक लिमिट से होता है, यानी कि अगर इसमें वेरिएबल है तो उसका भी एक स्क्वायर होगा, और अगर उस वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट है तो उस कोफिशिएंट का भी स्क्वायर होगा। तो हमारा करेंट फॉर्मूला होगा कि 2x का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 7 क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 एंड x का स्क्वायर प्लस 4 इनटू 2 इनटू प्लस 7, क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, हो गया ना। तो इस तरह आपको करना है ये सवाल, समझ आया। एक तरफ इनकरेक्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर उसमें सर्कल कर देंगे कि कहां आपको गलती नजर आ रही है, और फिर उसका करेक्ट फॉर्म लिख देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल है सारे, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। एक इसमें ये वाला क्वेश्चन देखो, जैसे 9 वाला देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3x plus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर समझ लो। तो ये देखो यहाँ पर a स्क्वायर करोगे तो 3x का होल स्क्वायर होगा ना, 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या है, 9x स्क्वायर आएगा ना। तो पहली गलती तो ये रही, और भी कोई गलती है देखते हैं, 2 का स्क्वायर 4, ये तो सही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू
इंटू बी, तो यहाँ पर देखो 2 into a, a की वैल्यू की है क्या है 3x, 3x into 2 6x, 6x into 2 12x, क्या आ रही है यहां पर 12x, यहां क्या आया 6x, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका राइट फॉर्म क्या होगा 3x plus 2 is equal to 9x square plus 2 into, यहां पे पहले ऐसे 3x का होल स्क्वायर 2 into 3x into 2 plus 2 का स्क्वायर लिख लिया। अब इसको क्या कर दिया 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस, ये हो गया सॉल्यूशन का, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट फॉर्म ये रहा। तो इस तरह आपको करना है ये सवाल, ठीक है ना। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसमें बहुत इजी सी चीज है। अर्लियर क्लासेस में आपने चीजें कैसे की है इस पर डिपेंड करता है पूरा सवाल। अगर किसी कोई और ऐसा है जिसे चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो वो अपने पास्ट में किए गए एक्सरसाइज जितने भी हैं उन्हें कवर करके उन्हें सुनाने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो आपका ये जाना ऑटोमेटिकली हो जाएगी। कैसे हुआ ये एग्जाम में कैसे आ सकता है? हो सकता है ये डायरेक्टली आपको दे दे और बोलते कि करेक्ट इट, या फिर फाइंड द एरर इफ इट इज देयर, मान लो कह दे कि इसमें एरर पता करो अगर है तो, यानी कि आपको ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है जो ऑलरेडी सही है और बोलते पता करो एरर, लास्ट में लिख देंगे अगर उसमें कोई एरर नहीं है तो देयर इज नो एरर, ठीक है ना। So, it will remain as it is. इसमें कोई changes नहीं होगा। लेकिन अगर उसमें लगता है आपको error, तो उस error को, उस question को लिख के error को circle कर दीजिए and the correct form is this. ठीक है ना? ऐसे कर दीजिए। और आपको ये question true false में पूछ सकता है। एक statement ये पूरा लिख देगा और बोल देगा is it true? तो अगर उसमें error होगा तो false, और अगर error नहीं होगा तो true, ठीक है ना। तो इस तरह पूछ सकता है। Next देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, 10 में क्वेश्चन देख लीजिए, सब्स्टिट्यूशन का काम किया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, उसमें x इक्वल टू माइनस 3 सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना। तो क्या सब्स्टिट्यूट का मतलब उसकी जगह पर रखना, x की जगह पर कौन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा माइनस 3, जगह लेने वाला, ठीक है ना। तो इस तरह जैसे एक क्वेश्चन दिया है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, यही दिया है पहला, है ना। और आपको क्या दिया हुआ है बुक पे, माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस फाइव टाइम्स ऑफ माइनस थ्री प्लस फोर इक्वल टू क्या आया, नाइन प्लस टू प्लस फोर इक्वल टू 15। अब देखो एक्स की जगह पर माइनस थ्री रखोगे, यहां माइनस थ्री का स्क्वायर होगा तो ये सही किया है, यहाँ 5 इंटू माइनस 3 होना चाहिए, देखो ये भी सही है, और यहाँ 4 की जगह 4, तो पहली वाली लाइन तो पूरी सही है। अगली लाइन देखो माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, सही है। 4 3 जा 5 3 जा 15, लेकिन इसने क्या किया, इसने गलती क्या कर दी 2, इसके दिमाग में ऐसा क्या गलत चल रहा था कि 2 लिख दिया इसने, उसने जानते क्या गलती की, जब वो x लिख रहा था तो उसने x को ऐसे लिख दिया, ये लो x की जगह माइनस भी लिखना था लिख दिया, लेकिन ब्रैकेट नहीं लगाया। मैंने पहले भी बोला है ब्रैकेट आर लाइक अ हेलमेट, है ना, नहीं पहनोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है ना, वही है एक्सीडेंट। तो उसने क्या किया कि ब्रैकेट्स नहीं लगाए, और ब्रैकेट ना लगाने की वजह से ये 5 माइनस 3 दिख रहा था, 5 माइनस 3 सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा ना, तो इसीलिए ये गलती हो गई उससे। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि उसकी जो गलती है वो यहाँ पर, और ये फोर की जगह फोर रहेगा। तो हमारा करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट फॉर्म हो जाएगा यहाँ 9 की जगह 9 रहेगा, 5 की जगह माइनस 15 प्लस 4, अभी भी ब्रैकेट रहेगा, और फिर प्लस माइनस माइनस 15 प्लस, ठीक है ना, 9 में से 15 कैंसिल हो गया, 6 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2, जो ना आए पूछ लेना, ठीक है ना, ज्यादा इसको बता नहीं बताना चाहिए तो ठीक है। क्या हो गया So, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस
बारे में जानने जा रहे हैं। तो एक चीज और ध्यान रखिए, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 शुरू करना है, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 15 लगभग 95% कोर्स आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब चैप्टर नंबर 15, इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, इसमें चैप्टर 15.1 में दो क्वेश्चन बताऊंगा और 15.2 में भी एक या दो क्वेश्चन बताऊंगा, एग्जाम्पल सारे कवर कराऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल अपनी अपनी बुक में देखते रहिए क्योंकि इतना कुछ बोर्ड पे हो नहीं पाएगा पहले से, ठीक है ना। सब लोग अपनी बुक लेके बैठेंगे आपसे, ठीक है। और दूसरी चीज, जो 15 में कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो वो मैं बता दूंगा, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो अगर आपके करने लायक है तो वो करिएगा, ठीक है। तो 15 पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम लोग और 15 को जानते हैं, ठीक है ना। तो देखिए चैप्टर 15 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, चलिए। अपना मोबाइल ध्यान रखते हैं, हमारे जो चैप्टर है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, यानी कि आप लोग अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हो ये इंट्रोडक्शन है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग ग्राफ्स के बारे में ऊपर ऊपर से जानोगे, उसकी गहराई में क्या क्या चीजें छुपी हुई है, है ना, वो आप बड़ी क्लास में जानोगे, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। लेकिन आप इस बात को समझने की कोशिश करना कि ग्राफ क्यों बनता है, क्यों इंपॉर्टेंट, क्या कि कोई कुछ कहना चाहता है ग्राफ के बारे में, क्यों बनाते हैं ग्राफ, कोई आइडिया किसी को भी, सोचिए अपने दिमाग में सोचिए, आग बंद करके अपने आप कुछ ना कुछ समझ में आएगा क्या क्यों बनाते हैं ग्राफ, सोच के देखिए कुछ समझ में आया तो बताइए, क्या जरूरत पड़ी ग्राफ, पहले भी पढ़ा है ग्राफ के बारे में, क्यों बनाते थे हम लोग ग्राफ, कहा जाता था ड्रॉ द ग्राफ या मेक अ ग्राफ ऑफ इट, इसलिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ग्राफ के बिना भी हमारी जिंदगी अच्छे से चल रही है। हम लोग डेली लाइफ में कितने ग्राफ्स का इस्तेमाल करते हैं, महीने में एक या दो कर लेते होंगे शायद, वो भी अखबार में कोई पढ़ लिया अपने मतलब का तब, है ना। यानी कि ग्राफ की इंपॉर्टेंस अभी आप लोग की लाइफ में, लेकिन मेरी लाइफ में, मेरी पर्सनल लाइफ में ग्राफ की बहुत इंपॉर्टेंस। जैसे अगर मैं डेली पढ़ाई कर रहा हूँ या डेली मैं अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना चाहता हूँ पढ़ाई के लिए और डेली आधा एक घंटा पढ़ रहा हूँ, तो मैं ये देखूंगा, मैं अगर पिछले 20 दिन का रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ अपने आप अपना, तो मैं क्या करूँगा, एक डेटा शीट बना लूंगा, डे वन डे टू ऐसे लिस्ट बना लूंगा और मैं अपना टाइम स्पेंड लिख दूंगा, और फिर थर्ड कॉलम में ये लिखूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग मेरी एफिशिएंसी कितनी है, यानी कि मैंने अगर 2 घंटे पढ़ाई की तो उसमें से क्या मैं आज का जो 2 घंटा पढ़ाई है वो मेरा सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। ये तो कई बार हम लोग 2 घंटा 3 घंटा बैठते हैं पढ़ने और फिर हम डिसाइड कर पाते हैं कि हाँ हम लोग का जो पढ़ाई रहा सबका सक्सेसफुल रहा, कई बार हमें लगता है कि नहीं 2 घंटे 3 घंटे बैठे आउटपुट कुछ खास नहीं निकला, हम लोग उसको सक्सेसफुल नहीं मानते, बट इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग क्या 2-3 घंटे बैठ पा रहे कि नहीं बैठ पा रहे, ठीक है। तो मैं अपना डेटा तैयार कर लूंगा 20 दिन का और फिर सक्सेस या फेलियर जो भी लिख लूंगा, तो हमारा जो डेटा रहेगा उसको मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करता हूँ, डे वन डे टू डे थ्री और नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से उसके पार्ट्स बना दूंगा, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, जो 20 दिन है डेटा कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा। और अगर मान लो मैं 2 महीने का डेटा लिख रहा हूँ तो 60 दिनों का चेक करना चाह रहा हूँ, तो इतने सारा डेटा हो जाएगा तो टेबल कितना बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो हमारा जो डेटा होता है उसको वर्चुअलाइज पिक्चराइज करना, जैसे आजकल किसका जमाना चल रहा है, एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल वर्ल्ड, है ना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा फेसबुक मेटावर्स बन रहा है, तो उसमें मेटावर्स में क्या है, फेसबुक एक नए डायमेंशन को ऐड करना चाह रहा है कि लोग अब एक दूसरे के सामने प्रेजेंट हो पाए, जैसे कि आप लोग घर पे बैठे हैं लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग अभी अभी स्कूल में होने चाहिए, है ना। तो फेसबुक अगर ऐसा कुछ प्लान करता है कि आपका एक आर्टिफिशियल फॉर्म इस स्कूल में आ जाए किसी तरीके से, है ना, आप जैसे जैसे एक्टिविटी घर पे करोगे वो यहाँ पर भी होगी, तो आप लोग का एक वर्चुअल मॉडल यहाँ पर रहेगा। तो यही चीज है कि यानी कि एक नया डायमेंशन ऐड कर रहा है ना, तो वर्चुअलाइज कर रहा है ना। मैं आपको इमेजिन कर रहा हूँ बस अभी घर पे, जैसे कि कुछ बच्चे इधर ऑनलाइन देख रहे थे, मैं आपको इमेजिन कर रहा हूँ कि आप घर बैठे हुए कैसे नजर आ रहे हो, कैसे आप अपना काम कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको रियलिटी भी मुझे देखना है, तो मुझे आपका एक वर्चुअल फॉर्म यहाँ पर चाहिए, क्योंकि आप लोग यहाँ तो आ नहीं सकते,
तो यही चाहिए। इसी तरह जो डेटा होता है उसको भी वर्चुअलाइज किया जाता है, उसको पिक्चराइज किया जाता है, उसकी इमेज बनाई जाती है कि हमें क्या नजर आ रहा है, ठीक है ना। हमेशा आजकल ग्राफ, जब भी कोविड के बारे में कोई बात होती है तो उसके लिए ग्राफ अटैच करके जरूर आता है अखबार में। क्यों भाई, बिना ग्राफ के काम नहीं हो सकता क्या? नहीं, ग्राफ में डायरेक्टली बोलते हैं कि हाल के समय इस बार जो थर्ड वेव आई है उसका बिहेवियर कुछ ऐसा है, जो कि फर्स्ट वेव आई थी उसका बिहेवियर ऐसा, और सॉरी सेकंड वेव का बिहेवियर ऐसा, थर्ड वेव का ऐसा। यानी कि नंबर ऑफ डेज, और इधर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पेशेंट्स, है ना, नंबर ऑफ सीरियस पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट जिनको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ रही है। तो इधर देखो दिन बीतते जा रहे हैं, लेकिन थर्ड वेव में ये पता चल रहा है कि सीरियस लोग ज्यादा नहीं है, जितनी हाइट होगी उतना सीरियस। लेकिन देखो सेकंड वेव जब आई थी उस समय ज्यादा सीरियस था, इसलिए ज्यादा लंबा लॉकडाउन। फर्स्ट वेव आई थी तो सबसे लंबा लॉकडाउन लगा था, उस समय पेशेंट बहुत सीरियस थे ना, यही चीज। तो देखो कितना आसान है इस काम को करना। लेकिन वही तुमको दे दूं कि 20,000 केसेस आए उसमें से 10,000 सीरियस है और ये इतने केस सीरियस नहीं है, तो इसमें यहाँ पर प्रॉब्लम। सो लेट्स कंटिन्यू। सो हमारा ये जो ग्राफ है क्यों इंपॉर्टेंट है समझ में आ रहा है? अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है। वही मैं बोलते था कि जब हमारा फर्स्ट वेव आया था तो हमारे 20,000 केसेस में से 10,000 सीरियस केसेस थे, और जब सेकंड वेव आया तो 30,000 केसेस में से 10,000 सीरियस था, और जब फिफ्थ ये थर्ड वेव आया तो हमारा 40,000 में 10,000 केसेस थे। तो आप बताओ आपको क्या लग रहा है, कौन सा ज्यादा सीरियस है? देखने में तो लगेगा सब में 10,000 सीरियस है तो सब एक जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको उसके लिए प्रॉपर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि देखो 20,000 में 10,000 होना बड़ी बात है, लेकिन 30,000 में 10,000 होना थोड़ी उतना सीरियस नहीं है, और 40,000 में 10,000 सीरियस होना और भी कम सीरियस है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि थर्ड वेव सबसे कम सीरियस है, सेकंड वेव उससे ज्यादा सीरियस है, और फर्स्ट वेव सबसे ज्यादा सीरियस है, ठीक है ना। तो ये हो गया डेटा, डेटा से अंडरस्टैंड करना। लेकिन ये देखो ग्राफ सबसे ज्यादा इजी है उससे भी, ठीक है ना। तो यही चीज है, यही इसीलिए हम लोग अपने ग्राफ्स को प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। तो ग्राफ पेपर तो आप लोग ने देखा ही होगा, तो ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। अब देखो इस ग्राफ में एक दो इंपॉर्टेंट चीजें छोटी मोटी, कि ग्राफ कितने तरीके के होते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि आप लोग जानते हो बार ग्राफ, मैंने पहले भी बताया बार ग्राफ का इस्तेमाल करता है, कौन बताएगा बार ग्राफ आता है, फिर हिस्टोग्राम आता है, और पाई चार्ट आता है ना, और इसके अलावा बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, मैं बता रहा हूँ एक करके ये हो गए, और इसके अलावा आप लोग और भी कुछ पढ़े पिक्टोग्राफ, है ना, पिक्टोग्राफ। और इसके अलावा कोई ग्राफ का नाम जानते हो? पिक्टोग्राफ के अलावा और कोई ग्राफ? नेत्र यही है, बाकी सब एक दो चीजें और हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व वगैरह वो इन्हीं से बनती है, ठीक है। तो उसके बारे में हम नहीं आ रहे। तो ये होता है सबसे बेसिक, ये एक दो तीन चार पांच तरह के ग्राफ। तो एक बात सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, पांच तरह के ग्राफ में आपको पता होना चाहिए कि पांचों ग्राफ होते क्या है, कैसे नजर आते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आपको कोई सिचुएशन दे दी जाए तो आपको जज करने आना चाहिए कि मैं यहाँ कौन सा ग्राफ बनाऊंगी या बनाऊंगा तो ये सही रहेगा, ठीक है ना। तो देखो बार ग्राफ हमेशा कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है, टू क्वांटिटीज, टू ऑब्जेक्ट्स बोलना ज्यादा सही है, ऑब्जेक्ट्स। बार ग्राफ हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच कंपैरिजन करता है, जैसे कि आज के दिन मैंने कितना काम किया, कल के दिन कितना काम किया, तो दो, पहला डे वन और डे टू दोनों के दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। आज आपकी बैग में कितना कितने बुक्स लाए और नॉर्मल डेज में कितने लाते थे, ये भी एक तरह का क्या है, कंपैरिजन है, ठीक है ना। तो बार ग्राफ हमेशा कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर हमारा आता है हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज में इस्तेमाल होता है, क्वांटिटीज दो अलग अलग क्वांटिटीज में कंपैरिजन करा, क्वांटिटी यानी कि मात्रा, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसे आप मेजर कर सकते हो। पहली चीज, क्या पहले दिन और दूसरे दिन को मेजर किया जा सकता है?
नहीं किया जा सकता। जैसे आप एक से आप एक आपकी एक आप फ्रूट सेलिंग शॉप है आपकी, तो आप मैंगो और अलग अलग तरह के फ्रूट सकते हो। तो आप देख रहे हो आज मैंगो की सेल कितनी हुई और ऑरेंज की सेल कितनी हुई, दोनों को देख रहे हो। क्या मैंगो और ऑरेंज को कंपेयर किया जा सकता है? क्या नहीं किया जा सकता, उनकी सेल्स को कंपेयर किया जा सकता है। मैंगो को ऑरेंज से क्या कंपेयर करोगे? क्या जानना चाहते हो कि मैंगो और ऑरेंज को कंपैरिजन कर दोगे? कुछ नहीं ना। तो यही सारी चीजें बेसिक से ये चीज ध्यान रखी जाती है कि कब दो चीजों को कंपैरिजन करना है। लेकिन क्या किसी दो लोगों का वेट को कंपेयर कर सकते हो? दो लोगों का वेट कितना है? क्या दो लोगों की हाइट को कंपेयर कर सकते हो? हाँ। तो आप जब दो लोगों की दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हो, यानी कि पहले पर्सन की हाइट और दूसरे पर्सन की हाइट, और पहले पर्सन का वेट और दूसरे पर्सन के वेट को कंपेयर कर रहे हो, तो आप इसको प्राण पाओगे। या आप 2 घंटे में कितनी तेज दौड़ते हो और वो वाला आदमी 2 घंटे में कितनी तेज दौड़ता है कंपेयर कर रहे हो, तो भी हिस्टोग्राम बनाओ, क्योंकि 2 आवर्स और 2 आवर्स दोनों कंपेयर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का दो चीजों को कब कंपेयर किया जाता है? अर्लियर चैप्टर्स में हम लोग ने पढ़ा है, कंपेयर तभी किया जा सकता है जब उन दोनों का यूनिट सेम हो, दोनों एक ही कैटेगरी के हो। तो 2 आवर्स 2 घंटे और अगला भी पर्सन 2 घंटे, तो दोनों आवर्स में ना, इसलिए कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन ये मत सोचना कि मैंगो फ्रूट है और ऑरेंज भी फ्रूट है तो दोनों फ्रूट है इसके कंपेयर किया जा सकता है, नहीं। ठीक है ना, ऐसी चॉइस नहीं होती। ठीक है ना, इस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जाता है कि मैंगो और ऑरेंज ऑब्जेक्ट्स हैं, क्वांटिटी नहीं है कोई। ठीक है ना, इसलिए उनकी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। लेकिन हाइट वेट जो चीजें मेजर हो सकती है, क्या मैंगो को मेजर कर सकते हो या ऑरेंज को मेजर कर सकते हो? नहीं। तो उनका कंपैरिजन हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन ऐसी चीज जिनको आप मेजर कर सको, उनको उन क्वांटिटीज को हम लोग कंपेयर करा सकते हैं। ठीक है ना, बेसिक सी चीज है। So, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, जितने तरह के ग्राफ होते हैं, क्या क्या होता है। आप लोग को ये बेसिक जितना भी है, आज आपका जो होमवर्क है उसको ध्यान दीजिए। अपनी बुक का पेज नंबर, अपनी बुक में पेज नंबर जो है 231 से 236 तक ये सभी ग्राफ का एक्सप्लेनेशन दिया है, और फिर उसके बाद दो एग्जांपल दिए, एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल 2। सी दोनों को आप दे देंगे, दो एग्जांपल है, ये दो एग्जांपल मोर देन इनफ इस एक्सरसाइज को लगाने के लिए। ठीक है ना, इतना काम आप आज होमवर्क में करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं है तो जरूर पूछेंगे। ठीक है ना, आज की क्लास हम लोग यहीं क्लोज करेंगे, ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, और ऐसे भी ये कंप्लीट होगा नहीं आज की क्लास में। तो इसको आपको करके रखना है ताकि मैं कल एक एक्सरसाइज करा दूंगा। ठीक है ना, इतना आप जरूर करके रखेंगे, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग, वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास।